दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर चस्पा किए। आप कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री के विरोध में लगाए गए पोस्टरों से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने शहर से पोस्टर हटाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, पुलिस ने आम आदमी पार्टी के गुरुग्राम कार्यालय को भी घेर लिया और कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर डेरा जमा लिया। हमने लगाया था मोदी हटाओ देश बचाओ, आज भी इस बात पर अड़ंग है और फिर लगाएंगे। इस चीजों से हमको डरने वाले नहीं है। ये पढ़े लिखे की पार्टी है जो लिखना भी जानती है और बोलना भी जानती है। साथियों, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुलिस चाहे कितना भी हमारे पे प्रेशर बना ले, कितनी भी सैकड़ों यहाँ पुलिस लगा ले, हमारे ऑफिस के बाहर रात के 10 बजे हैं, ऑफिस के बाहर 500 पुलिस वाले साथी यहाँ बैठे हैं। आज एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी से आज ये प्रशासन ये सरकार विचलित क्यों है? क्यों रात के 10 बजे इन्होंने आज यहाँ फोर्स भेजी हुई है? किस बात से इनको डर लगता है? मैं इस चीज से आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इनको डर किस बात का है? क्या मोदी सत्ता से 24 में बाहर होने वाले हैं? साथियों, ये मानसिक दबाव बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं सरकार हमारे ऊपर, और इसलिए उन्होंने पुलिस को यहाँ भेजा है। आम आदमी पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। सैकड़ों साथी अंदर बैठे हैं जो आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, वो पार्टी इनसे डरती नहीं है। और सैकड़ों क्रांतिकारी साथी अरेस्टिंग के लिए तैयार बैठे हैं, परंतु ये अरेस्ट भी नहीं कर रहे। ये सिर्फ मानसिक पीड़ा देना चाहते हैं कि हाँ हम यहाँ बैठे हैं, ये कल से यहाँ ऑफिस में नहीं आएंगे। हम हर रोज आएंगे, इस तरीके से काम करेंगे और 100 गुना ताकत से ज्यादा काम करेंगे। डॉक्टर साहब, हरियाणा में पोस्टर लगाने पर बैन करा था, परंतु फिर भी आपने पोस्टर लगाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने पूरे हरियाणा के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सभी साथियों ने सैकड़ों साथियों के साथ आज पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में 22 राज्य में 11 भाषाओं के अंदर आज पोस्टर लगे हैं, और सारे देश में किस किस को अरेस्ट करेंगे? पूरे देश को अरेस्ट करें, इनकी जेलें भर जाएंगी, परंतु ये आंदोलन नहीं रुकने वाला। अब कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आगे की आपकी रणनीतियां क्या रहने वाली है? कार्यकर्ता इसलिए दिखाना चाहता है प्रशासन को कि देखो, हम आपसे विचलित होने वाले नहीं है। आप कितनी भी मानसिक पीड़ा हमें दें, इससे कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे की पार्टी है जो लिखना भी जानती है, जो बोलना भी जानती है। पुलिस से भी आपकी अभी बात हुई है, पुलिस का क्या कहना है, क्या कुछ आपकी बात हुई है? हमने उनसे पूछा है पुलिस से, भाई आप यहाँ किस लिए बैठे हैं हमारे ऑफिस के बाहर, आपने ये घेरा क्यों डाला हुआ है? वो कह रहे हैं जी हमारा रूटीन का बात है, इससे पहले तो आपका कभी रूटीन नहीं था, आज ही ये पोस्टर लगने के बाद आपका रूटीन क्या है? ऐसा क्या क्या ऑफेंस किया हमने, क्या जुर्म किया हमने? इसमें यहाँ अपना बोलने की ये स्वतंत्रता है, आदमी बोल भी सकता है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है हमारा, हम कुछ भी बोल सकते हैं। परंतु ना तो हमने किसी को गाली दी है। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष के खिलाफ तो जाना ही है, और हम है इसमें साथ।